नमस्कार, मैं अभी अपने विद्यालय के गेट के सामने हूँ। इन दिनों बिहार के मैदानी क्षेत्रों में बहुत अधिक ठंडक पड़ती है, जिनके कारण राज्य सरकार के द्वारा विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। और इस स्थिति में आप देख रहे हैं, बिल्कुल सुनसान विद्यालय लग रहा है और ऐसा लगता है जैसे वीरानगी छाई हुई है। बच्चे जब इस विद्यालय में रहते हैं, उनकी चहलकदमी, उनका दौड़ धूप, उनका इधर उधर घूमना, ये काफ़ी आनंददायक होता है और हम लोग को भी उनके बीच रहना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इन दिनों चूँकि बच्चों के लिए शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार का आदेश है कि शिक्षक विद्यालय में बने रहेंगे, इसलिए हमारे सभी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित हैं और अपने कार्यालय संबंधी कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अब मैं आपको अपने विद्यालय के पोषण वाटिका की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पोषण वाटिका किसी विद्यालय का वह क्षेत्र होता है जहाँ मध्यान्ह भोजन हेतु ताज़ी सब्जियाँ, साग इत्यादि उगाए जाते हैं। वैसे तो हमारे विद्यालय में जगह का थोड़ा अभाव है, फिर भी यहाँ के शिक्षकों ने अपने मेहनत से एक अच्छा पोषण वाटिका तैयार किया है। मैं आपको अपने विद्यालय के पोषण वाटिका की स्थिति देखने के लिए उस तरफ ले जा रहा हूँ। आइए, हम अपने पोषण वाटिका पहुँच चुके हैं। इसमें आपको सब्जी के पौधे, फूलों के पौधे, सजावटी पौधे सभी नज़र आएंगे। आप इन छोटे छोटे पौधों को देखिए, ये बैंगन के पौधे हैं और अभी ये छोटे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बड़े होंगे, ये अपने रूप में आएंगे और जब इनसे ताज़ी सब्जियां निकलेगी तो MDM के लिए बैंगन बच्चों को मिलेगा और ताज़ी सब्जियां उपलब्ध होगी। अब आप देखिए, ये पपीते के पेड़ हैं, एक लाइन से आपको कई एक पेड़ एक साथ नज़र आ रहे होंगे। ठीक उसके बगल में ये सजावटी पौधा बहुत ही देखने में आकर्षक, अपने पूर्ण रूप में विकसित। इधर आप देखिए, ये अशोक के पेड़ हैं, ये भी फूल के पेड़ हैं और इस छोटे से पेड़ को देखिए, इसमें भी फूल खिले हुए हैं। ये गुलाब के पेड़, इसके बगल में फिर अशोक, ये सजावटी पौधा। आप सामने बोर्ड देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है पोषण वाटिका मध्य विद्यालय सिहुल्ली सिंहवाड़ा दरभंगा। इसमें आप देखिए, तरह तरह के आपको साग सब्जी नजर आएंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये मूली के हैं पौधे और कुछ ही दिनों में ये पूर्ण विकसित हो जाएंगे और खाने के लायक हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, कटीले सजावटी के पेड़। कटीले पेड़ का भी अपने आप में काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा शुद्धता यही प्रदान करते हैं। ये इसके जो कांटे होते हैं वो वातावरण को शुद्ध करने में बहुत अधिक सहायक होते हैं। आप इस लाल रंग के पत्ते वाले पेड़ को देखिए, ये भी सजावटी पौधे हैं। और मूली के ठीक बगल में ये लाल साग का छोटा सा क्यारी है, अभी साग इसमें छोटा ही है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बड़े होंगे। उसके ठीक बगल में ये पालक है, बहुत ही बढ़िया, धीरे धीरे ये विकसित हो रहा है। और पालक के बगल में ही ये गुलाब के पेड़। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जगह कम है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा सामंजस्य किया है कि सब्जी, फल और सजावटी पौधों को एक साथ लगाया जाए। इसके बगल में आप देखिए, ये सुंदर सा अमरूद का पेड़, अभी ये छोटा है लेकिन बहुत ही आकर्षक, आने वाले दिनों में बहुत सुंदर फल देंगे। इस सजावटी पौधे को देखिए, ठीक इसके बगल में ये लाल साग का क्यारी है, ये भी अभी छोटा है लेकिन आने वाले दिनों में
ये भी बड़े होंगे, इनसे भी साग MDM के लिए निकलेगा। केले के पेड़ को देखिए, ये सिंगापुरी केला है, छोटा रूप में है। उसके बगल में ये मूली है, और मूली से पूरब आपको ये पालक है। इससे पीछे आप देखिए ये गुलाब के पौधे, उसके बगल में केला, फिर कुछ सजावटी पौधे, इधर भी कुछ सजावटी पौधे हैं, रोड के किनारे किनारे भी सजावटी पेड़ पौधे हैं। ये SH 75 है, जो हमारे विद्यालय के ठीक पश्चिम से होकर के गुजरता है, और इसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कटीले तार से इसको बनाया है, ताकि कोई जानवर प्रवेश करके इसे क्षतिग्रस्त न कर दें। बच्चे भी इसके देख रेख करते हैं, बच्चों द्वारा पटवन किया जाता है, वो भी इसमें पूरी तन्मयता से बागवानी का काम करते हैं, और पूरा विद्यालय परिवार इस पोषण वाटिका की देख रेख करते हैं, जिसकी उपलब्धि अभी आपके सामने इस रूप में आ रही है। आने वाले दिनों में हम लोग इस पर और ध्यान देंगे, और चाहेंगे कि हमारा ये छोटा सा पोषण वाटिका लेकिन बहुत ही आकर्षक हो। अभी सर्दी का समय, इसलिए पौधों में भी थोड़ा विकास उस ढंग से नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये मौसम चंद दिनों का है, कुछ दिनों के बाद मौसम बदलेगा और हमारा ये पोषण वाटिका और भी हरा भरा होगा। आपके समक्ष धन्यवाद।